राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मंगलवार को कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई कि वो ट्विटर के जरिए वोट के लिए खुलेआम प्रचार कर रहे थे, जबकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी थी। साथ ही वायनाड सीट से के चुनाव अधिकारी के पास दर्ज शिकायत में एनडीए के प्रत्याशी एवं भारत धर्म जन सेना नेता तुषार के मुख्य चुनाव एजेंट सुनील कुमार जी ने गांधी की तरफ से शिकायत दर्ज की। इस शिकायत के साथ ही उन्होंने राहुल द्वारा प्रस्तावित न्याय योजना के नाम पर किए गए ट्वीट की प्रति अधिकारी को सौंपी। और आपको ये बता दें कि सुनील कुमार ने अपनी शिकायत में कहा, राहुल गांधी जो वायनाड से प्रत्याशी हैं, उन्हें मतदान जारी रहने के दौरान भी अपने पक्ष में मतों को मोड़ने के लिए खुलेआम प्रचार करते देखा गया। SPN9 न्यूज से अजय रिपोर्ट।